और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बसपा से किसी नेता के पीएम बनने पर मायावती बोली है, अखिलेश को बचकाने बयान देने से बचना चाहिए। यह बयान है मायावती का। अखिलेश कई पार्टियों से गठबंधन करके भी सीएम नहीं बन पाए, यह भी उन्होंने बयान दिया है और तंज कसा है। ट्वीट भी किया है उन्होंने, देख लीजिए आप। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, यह रहा। सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं तो फिर वो बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। अतः इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। एक और ट्वीट, साथ ही में मैं आगे सीएम और पीएम बनूं या न बनूं लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। अतः अब यूपी में ये देखिए ट्वीट, देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं, ये ट्वीट किया। अतः अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ये ट्वीट अटैक मायावती का, ट्वीट का पूरा कंटेंट, पूरा ट्वीट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। तो आक्रमण किया इस ट्वीट के जरिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आक्रमण किया था समाजवादी पार्टी पर, अब ट्वीट करके उन्होंने हमला बोला है और इस तरीके से हमले उनके जारी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर मायावती को लेकर कहा क्या था। जो उन्हें सम्मान हक मिलना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस हक और सम्मान को छीन रही है, ये भी बहुजन समाज पार्टी को याद रखना चाहिए। खुशी है कि इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। जो बसपा सांसद मलूक नागर ने अखिलेश और मायावती के बयान पर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मायावती और अखिलेश ने अपने बयान दे दिए हैं, इस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। नौर से बसपा सांसद मलूक नागर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और अखिलेश यादव के बीच में, दोनों के बीच में ट्विटर पे वार चल रहा है, क्या कहेंगे उनके बयानों को, आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से बयान निकल के आ रहे हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगा कि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों को जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, फिर मेरी आगे कोई हैसियत नहीं बच पाती कि मैं दोनों के बयान आने के बाद कुछ बोलूँ। मायावती ने कहा मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, बसपा क्या लगेगी इस पे बनाने के लिए। देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाओं का खेल है और संभावना कहाँ कैसे हो सकती है इसके बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है, पर मेरे वरिष्ठ नेता हैं तो उनका बयान के बाद मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि अपनी कोई टिप्पणी कर सकूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बसपा के सांसद मलूक नागर, जिनका कहना है कि मायावती और अखिलेश के बयान के बाद उनकी हैसियत नहीं बचती कि वो कोई टिप्पणी करे, राजनीतिक संभावनाएं हैं और संभावनाओं का ही सारा खेल है। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बसपा सांसद की बात आपने देख ली। भाजपा सांसद संगत लाल गुप्ता ने बसपा और सपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश और मायावती चुनाव हारने के बाद बौखला गए हैं। बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव मायावती के बीच में लड़ाई चल रही है, अखिलेश यादव मायावती को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, मायावती कहती है मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं, और कह रहे हैं कि अखिलेश जब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो हमको क्या प्रधानमंत्री बनवा पाएंगे। हम देखिए, ये बुआ बबुआ और बुआ बबुआ को प्रदेश की जनता ने समर्थन नहीं दिया, उसका खीज जिसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वही हाल है बुआ बबुआ का। ये अपना चुनाव में इनको समर्थन नहीं मिला, जनता ने इनको नकार दिया, इनको लूटने खसोटने का मौका नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और इस तरीके से वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश और मायावती बयानबाजी कर रहे हैं उनसे दोनों का दिमाग संतुलन खो गया है। के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।